أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Back again with new video on the Sadiq Academy YouTube channel. हेलो गाइस, दिस इज मुफा केयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई डेली बेसिस पे अपडेट होती है, वो आज की जो अपडेट है वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ पे मबनी थे कि भाई यूनिवर्सिटी खुलेगी, हम ऑनलाइन क्लासेस ले लेके थक गए हैं, अब जो फिजिकल लेना चाहिए। क्या सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्या गवर्नमेंट के हवाले से, सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोई नोटिफिकेशन ऐसा निकला है जिसमें हम बात की जाए कि क्या ऑनलाइन क्लासेस चलें या फिर फिजिकल क्लासेस चलें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस की, जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लाइक कर देना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, सिंध यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो नोटिफिकेशन निकला है वो ये निकला है कि आप लोग अपने घर में बैठ के स्टे होम स्टे सेफ। ये बात मतलब के क्लियर है कि अपने जहन में ये बिठा लें। इसका ये मकसद हुआ कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लें, तो उसका ये मकसद नहीं है कि आपके क्लास जो है फिजिकल नहीं चलेंगे। हाँ चलेंगे, बट वो सिचुएशन जब आएगी तो आपके क्लासेस जो फिजिकल है वो भी चलेंगे। बात ये है कि नोटिफिकेशन में ये निकला है, ये बात की गई है कि अब आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बिगड़ चुकी है, कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है जो आप लोग यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे। उसमें यूनिवर्सिटी में दो तीन कॉलेजेस या दो तीन स्कूल्स हैं जो कि जो यूनिवर्सिटी में गया होगा उसको पता है कि भाई सिंध बोर्ड के हिसाब से उसके साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर के नाम से स्कूल है और दूसरा भी पुनल शाह जैसे कुछ स्कूल है, उनको भी ब्लॉक किया गया है। कि यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा स्कूल, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी में है वो भी क्लोज होंगे और आप लोगों के क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आपके क्लासेस जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर तक, मैं ये अपना क्लू नहीं दे रहा, आप खुद सिचुएशन से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि फर्स्ट जो सेमेस्टर है आपका वो तो ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा। मैं कह रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ कि भाई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, आपका पूरा का पूरा ईयर जो है वो ऑनलाइन चलने वाला है। बट ये मैं अपने क्लू से कह रहा हूँ क्योंकि आपका सेमेस्टर के हिसाब से मिड तो हो गया, डेट मीन्स मिड तो होगा नहीं, सेमेस्टर की बात है। तो मैंने आपको बोल दिया था, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपका मिड नहीं होगा, सेमेस्टर होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। आपकी क्लासेस के अटेंडेंस के जो असाइनमेंट होती है उसकी मार्क्स जो हैं वो दी जाएंगी, ऐसे ही आप लोगों को पास किया जाएगा, किसी को भी फेल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई ईयरली जो आपका सिस्टम होगा, एक तो सेमेस्टर हो गया आपका ऑनलाइन और दूसरा भी सेमेस्टर जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। इनफैक्ट जो मसला है कि चाहे सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आपकी क्लासेस में भी सेकंड सेमेस्टर में फिजिकल चलें, बट इस सेमेस्टर में आपके कोई भी क्लासेस फिजिकल नहीं चलेगा, दैट मींस नहीं चलेगा। ये 100% श्योरिटी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन ही चलने वाला है और किसी का भी किसी की भी मार्क्स जो है वो कम नहीं आएंगी, एटलीस्ट आपकी मार्क्स कुछ इम्प्रूव में आ सकती हैं। इस यूनिवर्सिटी के पॉलिसी है, इम्प्रूव उसको कहते हैं जो 60 से नीचे मार्क्स होती हैं, डैट मीन्स 40 तक मार्क्स होती हैं, डैट मीन 45, 44, 50 ये मार्क्स जो होती हैं वो इम्प्रूव में आ जाती हैं, उसके बाद नीचे फेल में है, ठीक है। और 60 से ऊपर जो है वो बी ग्रेड में शो होता है और बी ग्रेड में उसको कंसीडर किया जाता है, उसकी जो बी ग्रेड की जो जीपी बनती है वो बनती है 3 point something, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे और आपको क्लासेस ऑनलाइन लेने पड़ेंगे और फिजिकल फिलहाल आपके क्लासेस नहीं चलेंगे। ये नोटिफिकेशन कुछ घंटे पहले निकला है और मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर पता चल गया है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को कुछ ऐसे बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सेमेस्टर के हिसाब से, जो ईयर के हिसाब से, जो कोर्स के हिसाब से, जो अटेंडेंस और मार्क्स के हवाले से कुछ सैंपल और आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बड़े मेहरबानी एक अच्छी पॉजिटिव कमेंट्स में आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं भी उनको डिटेल में कमेंट करें जो समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस हवाले से गाइड करता रहूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।